सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इस कविता पर ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट में मैं पूछूंगी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सभी को बतानी है, ठीक है। एक घने सुनसान जंगल में एक पेड़ था। ये पेड़ सामने दिखाई दे रहा है, चिड़िया, जिस पर चिड़िया का एक घोंसला था और चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। यहाँ पर एक चिड़िया है और चिड़िया के दो बच्चे, ठीक है। चिड़िया और उसके दो बच्चे, चिड़िया के बच्चे थोड़ा ही उड़ पाते थे। उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़िया लगातार प्रयास करती रही। अचानक चिड़िया को बच्चों के दाना लाने के लिए जाना पड़ा। चिड़िया के बच्चों को दाना लेने के लिए गई और अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगा। वाओ, बहुत अच्छा। चिड़िया का घोंसला हवा, तेज हवा के कारण पेड़ से गिर गया। बच्चे घोंसले से नीचे आ गए। बच्चों को अपनी क्षमता का ज्ञान न होने के कारण वे hands to bite and fingers and toes and to bad legs and a shiny nose. Just think how much less time I take if I were a dog. And I would shake. सबको को संदेह अभी बताया था ना? चलो, if I were an apple, बोलो पीछे पीछे, and be on a tree, and be on a tree, I think I would drop down, I think I would drop down, on a nice boy like me, on a nice boy like me, I wouldn't stay there, I would stay there. Giving nobody joy, चाय के बाद बोलने के लिए लगता है, I would fall down at once. Thank you.
गोलकीपर।